हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता नेगी एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस द मैथ्स। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 10th क्लास चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज 15.2, बट एज यू कैन सी इन इट्स फुट नॉट द एक्सरसाइज are not from the examination point of view, but sometime he may ask the question from the exercise. So there are some good questions are there and important questions are there. So let's solve all these questions. So first question is, two customer Syam and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive day and the different day? So two customer are there and they are visiting a shop and in the week, and how many days they can visiting from Tuesday to Saturday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So 5 days are there. They are visiting the shop. And each is likely to visit the shop as on the same day as another day. Means they are free to visit the shop any day as they can visit to another day. Means from Tuesday to Saturday, they can visit the shop according to their choice. कोई फोर्स वगैरह उन पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई कमेंडेशन नहीं है कि कौन से डे पे उनको ही विजिट करना है, ठीक है। और तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या हो सकता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जब व्हेन दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे, कॉन्जिक्यूटिव डे एंड द डिफरेंट डे। तो इसके लिए हमको पेयरिंग करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म अ टेबल एंड विल सी हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम कुड बी देयर फॉर विजिटिंग द शॉप फॉर द श्याम एंड एकता। तो दोनों जो डेज की हम क्या कर लेते हैं, दोनों कस्टमर के लिए डेज को डिवाइड करके उनके लिए हम एक पहले पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं हमारे उनको प्रिपेयर कर लेते हैं कि कितने पेयर में वो लोग विजिट कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल हमारे आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 days हैं हमारे पास। ट्यूजडे है, वेनसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है एंड सैटरडे है। तो ये जो वर्टिकल डेज हैं ये एकता के लिए हैं सपोज, एंड ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और जो ये डेज हैं ये हैं हमारे शाम के लिए। तो अब हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं इजीली। कि सपोज एकता अगर विजिट करती है ट्यूसडे को, एकता अगर ट्यूसडे को विजिट करती है तो साथ में श्याम भी ट्यूसडे को करता है। एकता अगर ट्यूसडे को करती है बट श्याम वेनसडे को करता है। एकता ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, वेनसडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 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 थर्सडे, वेनसडे, फ्राइडे, वेनसडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेनसडे, थर्सडे, 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 फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। सो देयर आर दी पॉसिबल आउटकम्स फॉर श्याम एंड एकता, दे कैन विजिट द शॉप। तो इस तरीके से डेज की हमारी पेयरिंग हो गई है कि अगर दोनों ट्यूसडे को विजिट कर रहे हैं, दोनों थर्सडे को, एक अगर थर्सडे को तो एक वेनसडे को
कर रही है। तो अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो इनका जो टोटल आउटकम्स आ रहा है, टोटल आउटकम्स 25। अगर हम इनको काउंट भी करेंगे तो टोटल हमारे 25 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इनके लिए जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहला है द सेम डे मीन्स एकता एंड श्याम बोथ आर विजिटिंग ऑन द सेम डे। तो हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे सेम डे कितने हैं। ट्यूसडे वेनसडे अगर हम इनकी पेयरिंग बनाए तो ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं कि जब वो सेम डे पे विजिट करें, और टोटल हमारे पास कितने हैं 25 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट के लिए ऑन द सेम डे के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं 5, टोटल आउटकम्स है 25, सो 1/5 इट कुड बी व्हेन दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे, दे आर विजिटिंग कॉन्जिक्यूटिव डे। ओके, सो कॉन्जिक्यूटिव डे को समझने से पहले, लिखने से पहले, इनको काउंट करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कि कॉन्जिक्यूटिव डे का कंसेप्ट क्या है। कि सपोज अगर एक ट्यूसडे को आ रहा है तो दूसरा वेनसडे को आ रहा है, अगर एक वेनसडे को आ रहा है तो नेक्स्ट वाला थर्सडे को आ रहा है, अगर एक थर्सडे को आ रहा है तो पहला वाला वेनसडे को आ रहा है। तो इनका जो पेयरिंग है वो इस तरीके से चलेगी, ट्यूसडे वेनसडे ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे थर्सडे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा मतलब दोनों को जब हम यहाँ पे अपने इवेंट्स काउंट करेंगे टोटल आउटकम्स, तो इस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव डे में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, ट्यूसडे एंड वेनसडे, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे हैं। ट्यूसडे आ रहा है, दूसरा वेनसडे को आ रहा है, तो इसी का रिवर्स हो जाएगा वेनसडे ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे वेनसडे और वेनसडे ट्यूसडे। फिर इसका अगर हम आगे देखें तो वेनसडे एंड थर्सडे। ठीक है, एक वेनसडे को आ रहा है, दूसरा थर्सडे को आ रहा है, थर्सडे एंड वेनसडे ये भी हमारा कंसेक्यूटिव डे है। नेक्स्ट थर्सडे एंड फ्राइडे सो फ्राइडे एंड थर्सडे वाला ये है हमारे पास। फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये पेयरिंग हो जाएगी कॉन्जिक्यूटिव डे की, वेनसडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे। तो अब टोटल आउटकम्स हम काउंट कर लेते हैं कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाली प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास, अगर हम चाहें तो यहाँ पे इनकी पहले जो हमारे पास आउटकम्स हैं उनको नोट कर लेते हैं, वेनसडे ट्यूसडे ओके एंड वेनसडे थर्सडे वेनसडे ओके, थर्सडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटपुट्स हमारे पास कितने हो गए, 8। ठीक है, अब तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 8, टोटल आउटकम्स 25, सो 8/25, सो कंसेक्यूटिव डे की प्रोबेबिलिटी 8/25। थर्ड का है ऑन डिफरेंट डेज दे आर विजिटिंग ऑन द डिफरेंट डेज। अच्छा, इसके हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से काउंट कर लें। ठीक है, सेम डे की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/5, तो डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1 - PE
ऑफ सेम डे, 1 - 1/5, 4/5, ठीक है, ये भी एक तरीका है प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करने का डिफरेंट डे के लिए। अगर ये नहीं है तो आप, आपको मालूम है टोटल 25 डेज हैं, सॉरी टोटल 25 आउटकम्स हैं हमारे पास, उनमें से जो 5 हैं वो तो सेम डे के हैं, तो जो बाकी बचे वो डिफरेंट डेज के पेयर होंगे। अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे तो वही आएगा, तो टोटल 20 डेज हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। 25 - 5, 20, तो 20 इज डिफरेंट डे अपॉन फेवरेबल टोटल आउटकम्स, तो 20 / 25 वहाँ से कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, आंसर दोनों में सेम ही आए, ठीक है। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज 15.2। और आप इस तरीके से इसको करेंगे तो ये बहुत ईजी और अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, समझने में हमें ईजी हो जाता है, पेयर करके कोई भी हमारा जो आउटपुट होता है वो छूटता नहीं है। और इसको देख करके अगर इसमें हमारे पास कोई और क्वेश्चंस भी बन करके आए, जैसे इसमें 3 पूछे में, और अगर इसी में हमारे पास कोई अगर और क्वेश्चन भी पूछ दे अगर अलग तरीके से, तो उनको भी हम इस टेबल बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेबल बनाना आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि किस तरीके से बनाना है, फिर आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। थैंक यू चिल्ड्रन।